हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल। बॉडी में तीन तरह की मसल्स होती है, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल्स। हमारी बॉडी का 50% पार्ट मसल्स बनाती हैं, जिसमें से 40% स्केलेटल मसल और 10% कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स बनाती है। स्केलेटल मसल को हम स्केलेटल मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्केलेटन से अटैच होती है, यानी कि ये बोन से अटैच होती है। और कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट की मसल्स को कार्डियक मसल कहते हैं। और स्मूथ मसल्स विसरा में होती हैं, यानी कि जो हमारे अंदर विसरल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि GIT, हमारा यूरिनरी ब्लैडर, उन सब में जो मसल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं दिस स्मूथ मसल्स। एंड स्मूथ मसल्स ब्लड वेसल्स की जो कवरिंग होती है वो भी स्मूथ मसल की बनी होती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल इस डायग्राम में देखें तो ये हमने बनाई है बोन, और इन बोन से ये स्केलेटल मसल अटैच हो रही है, और ये अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ टेंडन। टेंडन होते हैं एंड्स ऑफ द मसल्स विच अटैच द मसल्स टू द बोन, ओके। और एक होते हैं लिगामेंट। लिगामेंट होते हैं जो कि मसल से बोन को जोड़ते हैं, वो लिगामेंट्स कहलाते हैं। यानी यहाँ पे जो इस बोन को आपस में जोड़ रहे होंगे वो लिगामेंट्स होते हैं। तो बोन टू बोन इज लिगामेंट एंड बोन टू मसल्स इज टेंडन। अब ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स में हम जब इस मसल्स में, ये मसल्स बहुत सारे मसल फाइबर से मिली हुई है। इस मसल्स को अगर हम यहाँ पे एक एलोबोरेटेड डायग्राम के फॉर्म में देखें तो ये मसल्स, इसके अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स होते हैं, जो कि ये आप देखेंगे इसको, ये एक बंडल है, दो बंडल है, तीन बंडल, इस तरह से ये बहुत सारे बंडल्स होते हैं जिनको हम फैसिकल भी कहते हैं। सो दीज आर मसल बंडल्स और फैसिकल्स। और उन मसल बंडल और फैसिकल्स के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। तो ये अगर जैसे हमने एक ये पूरी मसल ली है, इस मसल के अंदर मसल बंडल है या फैसिकल्स हैं। अब इसको मैंने एक कोलैबोरेट कर दिया जो मसल फैसिकल है, उस फैसिकल में अंदर बहुत सारे ये मसल फाइबर्स हैं, ये जो है मसल फाइबर्स हैं। एक मसल फाइबर बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स का बना होता है, तो एक मसल फाइबर में थाउजेंड्स ऑफ मायोफाइब्रिल्स हो सकते हैं। और जो मायोफाइब्रिल्स हैं वो बने होते हैं मायोफाइब्रिल्स मायोफिलामेंट्स के बने होते हैं। और मायोफिलामेंट्स कौन है? एक्टिन एंड मायोसिन आर दी मायोफिलामेंट्स। सो दिस इज द सीक्वेंस। मसल मेड अप ऑफ मसल बंडल और फैसिकल्स, दे आर मेड अप ऑफ मैनी मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मायोफाइब्रिल्स। इन मायोफाइब्रिल्स आर मेड अप ऑफ मायोफिलामेंट्स, और एक मायोफाइब्रिल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1500 मायोसिन मॉलिक्यूल होते हैं और 3000 यानी कि उसके डबल एक्टिन मॉलिक्यूल होते हैं, ओके। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर ऑल्सो। एंड कवरिंग के बारे में अगर हम बात करें तो कवरिंग जो सबसे बाहर पूरी मसल्स पे कनेक्टिव टिश्यू की एक कवरिंग होती है, फिर आपकी ये मसल बंडल पे भी एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, फाइबर्स पे भी, सभी पे ऐसे तरीके से कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है। जो सबसे बाहर पे यानी पूरी मसल्स पे जो कवरिंग है उसका नाम होता है epimysium। मसल बंडल पे जो कवरिंग होती है उसका नाम होता है पेरीमाइसियम। मसल फाइबर पे जो कवरिंग होती है उसे कहते हैं एंडोमाइसियम। याद कैसे रखेंगे? सबसे बाहर वाली इपी, सबसे अंदर वाली एंडो। एंडो अंदर के लिए होती है, उनके बीच में कौन है? पेरीमाइसियम। अब ये जो पेरीमाइसियम है ये कवरिंग है, और इसी के अंदर यहीं पर जो होती है ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होती है। सो ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आर सिचुएटेड इन पेरीमाइसियम। यानी बीच वाले जो लेयर है उसमें सप्लाई देने के लिए, यानी न्यूट्रिशन देने के लिए मसल को, ब्लड वेसल्स और साथ में नर्व्स पेरीमाइसियम में सिचुएटेड होती हैं। अब जो एक्चुअल यूनिट है वो हमारी क्या है? मायोफिलामेंट्स। एक्टिन एंड मायोसिन के बने होते हैं। एक्टिन मायोसिन आर एक्चुअल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, यानी कि जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है वो एक्टिन एंड मायोसिन है। और इसके साथ में कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन होती है जो इस एक्टिव मायोसिन के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करती है। उसमें आता है आपका ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ओके। तो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन आर रेगुलेटरी प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन है? एक्टिन एंड मायोसिन। और इसी के साथ में कुछ प्रोटीन होती है स्टेबिलाइजिंग प्रोटीन, यानी जो ये एक्टिन मायोसिन को अपनी जगह पे बाइंड करके रखती है, जहाँ पर वो है वहीं पर उनका एक स्ट्रक्चर बना के रखती है। तो उनका नाम होता है, जैसे टाइटिन है, नेबुलिन है, डेस्मिन है और डिस्ट्रोफिन है। तो इस तरीके से हम इसको जो स्केलेटल मसल की प्रोटीन्स होती हैं उन प्रोटीन्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ स्ट्रक्चरल प्रोटीन या इसको कहना चाहिए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इज अ बेटर वर्ड फॉर देम बिकॉज दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स में आपके आते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो इसके एक्टिन मायोसिन की कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करती हैं वो है ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, दोनों टी से बनी हुई हैं, ट्रोपोमायोसिन। तीसरी होती है स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, स्टेबल करके जो रखती है, उसमें आती है आपकी टाइटिन, नेबुलिन, डेस्मिन एंड डिस्ट्रोफिन। यानी दो तो डी के नाम से हैं, डेस्मिन एंड डिस्ट्रोफिन, और एक टी वही जो चल रहा था टाइटिन टी से, और एक नेबुलिन प्रोटीन होती है। सो दीज आर स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। अब आप एक फाइबर के बारे में बात करेंगे कि जो हमारी स्केलेटल मसल होती है, पहले तो इसकी ओवरऑल प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। ये वॉलंटरी होती है क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में, जैसे यहाँ पर मसल्स है बाइसेप्स मसल, तो मैं अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती हूँ। तो वॉलंटरी होती हैं, स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी, दे आर स्ट्राइटेड। इनमें जो अपीयरेंस होती है वो इस तरीके से होती है, डार्क बैंड, लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड। और ये एक्टिन मायोसिन के अरेंजमेंट की वजह से इस तरह से लाइट एंड डार्क बैंड में दिखाई देती हैं, और क्योंकि ये एक जैसी नहीं दिख रहा है, स्मूथ नहीं है, पूरा अलग अलग टाइप का कलर आ रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं स्ट्राइटेड अपीयरेंस। ओके। और जो स्केलेटल मसल है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि जब आप इसकी मसल फाइबर को देखते हो तो जो मसल फाइबर है उसमें आपको इस तरीके से न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, और वो न्यूक्लियस कैसे होते हैं, पेरिफेरल न्यूक्लियस होते हैं। तो एक जो मसल फाइबर है वही हमारा मसल की सेल है, मसल फाइबर इज अ मसल सेल एक्चुअली। तो मसल सेल को हम कहते हैं मायोसाइट। मायोसाइट इज अ सेल which is actually a muscle fiber. So it is multinucleated, it is striated in appearance like this, they are voluntary. अब ये स्ट्रेटेड क्यों है, एक्टिन मायोसिन की वजह से है। तो अब हमें पढ़ना है कि एक्टिन और मायोसिन किस तरीके से आपस में एक रिलेशन बनाते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो मायोसिन, इसमें आप देखेंगे कि ये जो है, ये है मायोसिन मॉलिक्यूल। मायोसिन मॉलिक्यूल में दो आपकी हैवी चेन होती हैं जो आपस में एक तरह से हेलिकली एक दूसरे के साथ लिपटी हुई रहती हैं। सो देयर आर टू हैवी चेन्स, जिनका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होता है इसलिए इनको हैवी चेन्स कहते हैं। ये मायोसिन का मॉलिक्यूल है जो इस तरह का दिखता है, इसमें दो हैवी चेन होती हैं जो आपस में हेलिकली लिपटी हुई हैं, हेलिकली अरेंज्ड हैं। बीच वाला जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं हिंज। हिंज होता है जहाँ पे भी कोई चीज़ मतलब एक तरह से हिंज का काम करता है एक तरह से, क्योंकि जो टेल है, ये टेल पोर्शन है इसका और ये हेड पोर्शन है, उन दोनों को जो बीच में जोड़ रहा है वो आपका है हिंज। ये जो दो हैं इसमें दो ग्लोबुलर हेड होते हैं। सो दे आर हेड, टू ग्लोबुलर हेड होते हैं। और यहाँ पे चार आपकी लाइट चेन होती है जिनका मोलिकुलर वेट कम है। तो ये चार हो गई आपकी लाइट चेन्स। तो टेल पोर्शन, हेड पोर्शन एंड हिंज पोर्शन। टेल इज मेड अप ऑफ टू हेलिकली स्ट्रक्चर इन ट्विंगल्ड two heavy chains, and near the head there are four light chains। और जो head है, head पे दो चीज़ों के लिए बाइंडिंग साइट होती है। देखो, एक्टिन मायोसिन को आपस में कॉन्टैक्ट कराना है, इसका मतलब एक एक्टिन की साइट तो चाहिए ही चाहिए, तो एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। और क्योंकि स्केलेटल मसल एक एनर्जेटिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी चाहिए, इसका मतलब हमें एटीपी को बाइंड कराने के लिए भी कोई जगह चाहिए, क्योंकि एटीपी को टूटना होगा और एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। तो दूसरी जो साइट होती है इस पे वो एटीपी बाइंडिंग साइट होती है मायोसिन मॉलिक्यूल पे। तो ये मायोसिन मॉलिक्यूल इस तरह का दिखाई देता है, और ये मायोसिन मॉलिक्यूल जो स्ट्रैंड होता है उस स्ट्रैंड में, जैसे हम यहाँ बनाते हैं कि ये जो है मायोसिन मॉलिक्यूल है, इस मायोसिन में ये मायोसिन फिलामेंट है एक्चुअली, ये मायोसिन फिलामेंट है। इस मायोसिन फिलामेंट में बहुत सारे मायोसिन मॉलिक्यूल्स मिले होते हैं, तो इस टाइप के इसमें बहुत सारे मायोसिन मॉलिक्यूल होते हैं। अब ये मायोसिन मॉलिक्यूल आपस में किस तरीके से अटैच रहते हैं, जैसे अब मैं इसको टेल है, हेड है, हिंज है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से। ये टेल पोर्शन हो गया, हिंज हो गया और हेड हो गया। तो इसके अंदर ये इस तरीके से अटैच होते हैं कि टेल पोर्शन बीच में रहता है और हेड आपका दोनों साइड रहता है, मतलब जो भी यहाँ मॉलिक्यूल आते रहेंगे वो बाहर निकले होते हैं। इस तरीके से मॉलिक्यूल्स बाहर निकले होते हैं। यहाँ हमने इसका अरेंजमेंट दिखाया कि ये टेल पोर्शन है और इस टेल पोर्शन में जो है आपका ये दोनों साइड में, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ऐसे मॉलिक्यूल है और ये दोनों साइड में, जैसे सेंटर में तो टेल पोर्शन चलता है और उससे चारों तरफ, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही साइड में, तो हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं एक साइड में, लेकिन ये एक्चुअली पूरी 360 एंगल पे कोई कहीं निकला होता है, कोई कहीं निकला होता है। हेड जो होते हैं वो चारों तरफ, जैसे अब ये समझ लीजिए आप, चारों तरफ ऐसे हेड, कोई कहीं है कोई कहीं है, इस तरह से हेड बाहर निकले हुए। जो सेंटर पोर्शन है वो टेल का बना हुआ है और ये इस तरीके से है कि एक मॉलिक्यूल इस तरीके से, एक मॉलिक्यूल इस तरीके से। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो बीच में आपको सिर्फ टेल पोर्शन दिखाई देता है, देयर इज नो हेड इन बिटवीन। अब जहाँ पर ये नहीं होता है, टेली पोर्शन होता है, बेयर एरिया बोलते हैं इसको हम, उसको हम कहते हैं एम लाइन। अंडरस्टैंड? सो एम लाइन क्यों है? ये सिर्फ टेल एरिया है इस बीच में, इसको हम एम लाइन बोलते हैं। अब इसको आप देखेंगे, ये है मायोसिन मॉलिक्यूल और ये हैं आपके पतले वाले जो बनाए हैं वो है एक्टिन मॉलिक्यूल। ये एक्टिन मॉलिक्यूल, इन एक्टिन मॉलिक्यूल के बीच में होती है एक जेड लाइन। ये होती है जेड लाइन, ये होती है जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच को हम कहते हैं सार्कोमियर, सार्कोमियर। और सार्कोमियर ही एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है इसी के बीच में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। और इसकी एवरेज जो लेंथ होती है वो होती है 2 माइक्रोमीटर। सो 2 माइक्रोमीटर इज द एवरेज लेंथ ऑफ सार्कोमियर। आप देखेंगे ये मायोसिन मॉलिक्यूल है और जेड लाइन से दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, एक्टिन अटैच रहते हैं। ओके, तो इधर भी एक्टिन अटैच है। अब ये जो ए बैंड ये है, आई बैंड ये है, ए बैंड ये है, आई बैंड ये है, और ये है हमारी जेड लाइंस। तो अगर आप देखेंगे कि एक सार्कोमियर के अंदर क्या चीज़ है, ये क्योंकि पूरा का पूरा ये आई बैंड ये है पूरा, लेकिन अब सार्कोमियर के अंदर कितना है? आधा आई बैंड है। तो इसका मतलब सार्कोमियर इज मेड अप ऑफ हाफ आई बैंड प्लस एच बैंड, सॉरी प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड, क्योंकि ये हाफ आई एक तरफ का हुआ, हाफ आई एक तरफ का हुआ और बीच में ए बैंड हुआ। अंडरस्टैंड? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक जो सार्कोमियर है, दो जेड लाइन के बीच में एक सार्कोमियर होता है। अब यहाँ से इस तरीके से एक्टिन अटैच रहते हैं और ये बीच बीच में मायोसिन रहते हैं। तो हाफ आई एक ए, फिर हाफ आई इज नोन एज दी सार्कोमियर। अब यहाँ आप देखें कि यहाँ जहाँ पे ये एक्टिन फिलामेंट का क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट कुछ दूरी तक तो यहाँ पर रहते हैं इनके बीच में, बट बीच में कुछ एरिया में ये एक्टिन फिलामेंट नहीं है। तो जब आप देखते हैं कि जिस एरिया में ये एक्टिन फिलामेंट नहीं है, सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है, कुछ एरिया में सिर्फ मायोसिन है, इस वाले एरिया में ये जो इतना एरिया है एक्टिन नहीं है, क्योंकि एक्टिन आया नहीं यहाँ तक। ठीक है, तो इस एरिया को हम बोलते हैं एच जोन, एच जोन। और इस एच जोन के बीच में क्या होती है? एम लाइन होती है, जिसका मैंने अभी आपको रीजन बता दिया है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ये आई बैंड है, ये ए बैंड है, ये आई बैंड है, और ए बैंड के बीच में एक एरिया होता है जो थोड़ा होमोजिनस टाइप का होता है, लाइटर एरिया होता है, क्योंकि ये तो डार्कर एरिया, यहाँ पर एक्टिन मायोसिन दोनों हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा लाइटर एरिया होता है जिसमें सिर्फ मायोसिन मॉलिक्यूल होते हैं, उसको हम कहते हैं एच जोन। ओके, और इसके बीच में लाइन है एम लाइन। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब ये जो जेड लाइन होती है, ये जेड लाइन पास पास आती है जब कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये जब पास पास आएंगी तो साथ में एक्टिन अटैच, एक्टिन भी पास पास आएगा। ओके, लेकिन मायोसिन जेड लाइन से डायरेक्टली अटैच नहीं है। ओके, तो क्या होगा, ये जो ए बैंड है ये चेंज नहीं होता, यानी इसकी जो लेंथ है वो चेंज नहीं होती, लेकिन आई बैंड की लेंथ चेंज होती है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये जो आपके ये एक्टिन फिलामेंट है पास पास आ रहे हैं और आई बैंड कम होता जा रहा है। यू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जेड लाइन है, इनके साथ में एक्टिन अटैच हैं, ये जेड लाइन पास आ रही हैं तो एक्टिन भी पास आ रहे हैं, ओके एक्टिन भी पास आ रहे हैं, लेकिन मायोसिन इनके बीच बीच में है, वो वहीं के वहीं हैं। तो कौन सा बैंड चेंज नहीं होता ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज ए बैंड। कौन सा चेंज होता है, दैट इज आई बैंड। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन कौन से वाले फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज एक्टिन फिलामेंट। कौन से वहीं के वहीं हैं, वो हैं आपके मायोसिन फिलामेंट। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन इन दी सार्कोमियर। अब यहाँ पर एक एक्टिन की हमने स्ट्रक्चर बनाई। एक्टिन कैसा दिखता है, एक्टिन भी दो फिलामेंट्स का बना हुआ है, दो मतलब एक तरह से ये भी हेलिकली इस तरीके से अरेंज रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटिंगल रहते हैं। सो इट इज़ मेड अप ऑफ टू चेन्स, ओके। और जो एक फिलामेंट है उसको हम कहते हैं एफ एक्टिन। एफ एक्टिन इज मेड अप ऑफ मैनी एक्टिन मॉलिक्यूल्स और उनको हम बोलते हैं जी एक्टिन। तो ये जो पूरा है, ये है हमारा एफ एक्टिन मॉलिक्यूल। ये दो फिलामेंट है, दो लेयर आप देख रहे हैं, आपस में इस तरीके से ट्विस्टेड होती रहती है अल्फा हेलिकल फॉर्म में। और एक एक्टिन फिलामेंट में 300 से 400 जी एक्टिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके। जो मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल है इसको हम कहते हैं जी एक्टिन। और ये क्या करते हैं, जैसे ही हर सातवें पे, यानी कि एवरी सेवन जी एक्टिन मॉलिक्यूल पे एक ग्रूव बन जाती है कि दोनों आपस में एक दूसरे से ऐसे एंटेंगल्ड होकर चल रहे हैं। तो एवरी 7 जी एक्टिन मॉलिक्यूल पे एक ग्रूव बन जाती है और जिस ग्रूव में आपका ये ट्रोपोमायोसिन फंसा होता है, एक इस पे कवरिंग करते हुए ट्रोपोमायोसिन होता है। और ये ट्रोपोमायोसिन क्या कर रहा है, इस एक्टिन पे, एक एक्टिन पे तीन साइट हैं ऑब्वियसली। एक तो एक्टिन मायोसिन का कॉन्ट्रैक्शन कराना है फाइनली हमें, तो एक तो बैंडिंग होगी किसके लिए, मायोसिन के लिए। लेकिन इस पर जो ये एक्टिव साइट होती है मायोसिन के लिए, वो नॉर्मली में ढकी हुई रहती है, वरना मायोसिन आके लग सकता है, क्योंकि पास पास है तो ये एकदम लग सकता है, कॉन्ट्रैक्शन करा सकता है। पर इसको रोकने के लिए रिलैक्स कंडीशन में क्या होता है, उस पर ही समझ लो हमने एक वायर और बिछा दिया। तो इसकी जो एक्टिव साइट है, जो ये मायोसिन वाली एक्टिव साइट है, इसको कवर करके रखता है ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल। तो ट्रोपोमायोसिन इसलिए रेगुलेट करता है इसको। ट्रोपोमायोसिन भी दो फिलामेंट्स का बना होता है और एक जो ट्रोपोमायोसिन ये बिल्कुल उतनी लेंथ तक जाता है जितनी लेंथ तक आपका एक्टिन जा रहा है। तो एक एक्टिन फिलामेंट में 300 से 400 एक्टिन के मॉलिक्यूल हो सकते हैं और 40 टू 60 ट्रोपोमायोसिन के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। 40 टू 60 क्योंकि ये जो ट्रोपोमायोसिन का पूरा फिलामेंट है ये ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, ओके। और इस पर एक साइट होती है, तो एक मायोसिन के लिए साइट हो गई, ट्रोपोमायोसिन के लिए साइट हो गई और आपका जो है ट्रोपोनिन आई के लिए साइट होती है। ट्रोपोनिन आई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि इनके साथ में अटैच रहता है। उसकी तीन सब यूनिट होती हैं। इसकी सब यूनिट होती है, एक होती है आपकी आई यानी ट्रोपोनिन आई, एक होती है ट्रोपोनिन सी, एक होती है ट्रोपोनिन टी। ये जो ट्रोपोनिन का मॉलिक्यूल है तीन सब यूनिट है इसकी। एक सब यूनिट आपकी ट्रोपोमायोसिन से अटैच होती है जिसे जो होती है ट्रोपोनिन टी। तो ट्रोपोनिन टी इज अटैच्ड विद द ट्रोपोमायोसिन। आई इज अटैच्ड विद एक्टिन, एंड सी इज अटैच्ड विद कैल्शियम। जब कैल्शियम सिक्रीट होगा, बिकॉज कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्ट्रैक्शन, तो जब कैल्शियम रिलीज होगा वो इसके ट्रोपोनिन के सी पार्ट से अटैच होगा। सो दिस इज द अरेंजमेंट, हाउ दे आर अरेंजिंग एक्टिन, फिर ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ये तीनों साथ साथ अरेंज रहते हैं। ये इसलिए अरेंज रहते हैं कि मायोसिन की जो एक्टिव साइट्स हैं उनको कवर कर ले और उनको कॉन्ट्रैक्शन ना होने दे बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन। जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है वो एक और देख लें, क्योंकि मैंने बताया था स्टेबलाइजिंग प्रोटीन होती हैं टाइटिन, नेबुलिन, डेस्मिन एंड डिस्ट्रोफिन। इसमें ये जो मॉलिक्यूल ब्लू दिखाया हुआ है मैंने, ये टाइटिन मॉलिक्यूल है, ये बेसिकली स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है और दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन, हाईएस्ट लार्जेस्ट प्रोटीन ऑफ द बॉडी। ये क्या होती है, स्प्रिंजी होती है, स्प्रिंग लाइक होती है एंड दैट अटैच द जेड लाइन विद द मायोसिन। तो क्या होता है, जैसे ये पास पास आएंगी तो ये आपका स्प्रिंग की तरह ऐसे पास पास हो जाएगा। जब ये क्या करती हैं, यानी कि ये क्या करती हैं, जब मतलब इसको मायोसिन को अपनी जगह पे रखती है, मायोसिन को ओवर एक्सटेंड नहीं होने देती। जब ये अगर ये दूर जाने की कोशिश करे तो ये इसको एक जगह पे बाइंड करके रखेंगी। सो टाइटिन प्रोटीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजेशन मतलब ऑफ द मायोसिन। मायोसिन एक्टिन दोनों बोलते हैं क्योंकि दोनों ही साथ साथ रहते हैं, बट इट कीप्स दी अटैच विद द मायोसिन डायरेक्टली। दूसरा जो नेबुलिन प्रोटीन है, अभी मैंने यहाँ बताया था नेबुलिन भी है, नेबुलिन जो है वो एक्टिन से बाइंड होती है, जितना पूरा एक्टिन चलता है उससे बाइंड रहती है और इस एक्टिन को अपनी जगह पे रहने देती है, वहाँ पर स्टेबलाइजेशन का काम करती है। और बाकी डेस्मिन डिस्ट्रोफिन भी स्टेबलाइजिंग प्रोटीन है, वो भी एक्टिन मायोसिन को जेड लाइन में, जो आपका सार्कोमियर है उसमें जेड लाइन और ये सारा का सारा अरेंजमेंट कि एक्टिन मायोसिन एक प्रॉपर स्टेबलाइजेशन में रहे, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में रहे, उसको मेंटेन करने का काम ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन पड़ती है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है।